अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में फर्जी नियुक्ति के मामले में एसआईटी ने 17 लोगों को नोटिस भेजा है। इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर पर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और श्रीनिवास को भी जल्द ही नोटिस जारी की जाएगी। मंतूराम पवार ने आज समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली। बस्तर के अंतागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में मंतूराम कांग्रेस प्रत्याशी थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। बस्तर में लंबे समय से बैकफुट पर चल रहे नक्सली इस गर्मी से टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के जरिए बड़ा हमला कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों को लाल लड़ाकों के मंसूबों की भनक लग गई है। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान भी अलर्ट हो गए। सरगुजा के कृषि विभाग में हुए दवा खरीदी घोटाले के मामले में सरकार के आदेश जहां कम पहुंच गया है। घपले की रकम की वसूली के लिए सरकार ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निशाना बनाया है। अब संघर्ष मोर्चा का गठन कर फरमान का विरोध किया जा रहा है। This is brought to you by number one institute, Dev Spoken English Bhilai, Sai Baba Eye Hospital, Papadi Rao, Fortis Opujinda Hospital and Research Center, Raigarh, Dr. Santosh Rai, Commerce Institute, Sector 10, Bhilai, and Balaji, Ilaichi, Gold Chai. नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। खासतौर पर कई राज्यों में तो स्थिति बेहद खराब है। सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद कुपोषण के मामलों में कमी नहीं आ रही है। तो वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम माने तो मध्य प्रदेश में तो कुपोषण की स्थिति राष्ट्रीय स्तर से भी खराब है। प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चे और महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। साथ ही खाने में पोषक तत्वों की वजह से प्रदेश की शिशु मृत्यु दर भी बढ़ी हुई है। कुपोषण की इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ अन्य संगठन भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिसके तहत रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और गेम यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन मिलकर व्हीट फ्लोर फोर्टिफाइड प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसके तहत बाजार में बिकने वाले पैक्ड आटे को फोर्टिफाइड करते हुए उसके इस्तेमाल को बढ़ा दिया जाए। दरअसल फोर्टिफाइड आटे के लगातार उपयोग से प्रदेश में कुपोषण पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही फूड फोर्टिफिकेशन कुपोषण की इस गंभीर स्थिति से निपटने का सरल और सफल विकल्प भी है। आज हेल्थ गुरु की इस खास पेशकश में हम फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए पोषण इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीणा शर्मा जी, जो हमें फोर्टिफाइड आटे और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे और क्या इसके फायदे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। वीणा जी, सबसे पहले चूंकि फोर्टिफाइड आटे की तरफ हम जाएं और क्या इसका किस तरीके से लोगों को कुपोषण से बाहर निकालने में एक अहम रोल अदा कर सकता है उस पर चर्चा करें। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं लोगों की जागरूकता के लिहाज से कि पोषण और कुपोषण का जो एक अंतर होता है उसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, खासकर हम अगर लोअर अपर क्लास की बात करते हैं। कुपोषण की परिभाषा ही उन्हें नहीं पता होती है। उन्हें कैसे समझाया जाए कि खाने में ये चीज की कमी होने से शरीर में इसकी कमी होगी और इसकी वजह से तमाम जो बीमारियां हैं वो आपको घेर लेंगी, जागरूकता किस तरीके से लाई जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग नॉर्मली कुपोषण और माइक्रो कुपोषण को एक ही समझते हैं। कुपोषण का मतलब है भोजन की कमी, लेकिन भोजन की आपूर्ति के बाद भी जरूरी है कि हम फोर्टिफाइड या पोषक तत्वों का उचित अनुपात में ग्रहण कर सके। और उसके लिए सोर्सेज हमारे पास होते हैं कि हम सब्जी दाल फल जैसे संतुलित आहार को लें,
या हम सप्लीमेंटेशन में कुछ, जैसे आपने देखा हुआ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लोग लेते हैं, आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेते हैं, या हम खाने में ही उन आवश्यक तत्वों का समावेश कर सके। तो ये तीन तरीकों से हम जो आमतौर पर समझा हुआ कुपोषण और जो एक्चुअल लाइफ में कुपोषण है उसमें फर्क कर सकते हैं। ये तीन तरीकों के लिए दूर करने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए सभी सरकारें अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम खाने में आवश्यकता जो हमारे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ हैं जैसे आटा, दूध, तेल, नमक, इनको ही फोर्टिफाई करके वो आवश्यक पोषक तत्व आप तक पहुंचा सके। बिल्कुल वीणा जी, अगर हम बात करते हैं कुपोषण की, तो अलग अलग उम्र में अगर कुपोषण होता है तो उसके अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं और बीमारियां कई बार बढ़ भी जाती हैं। अगर किसी महिला में कुपोषण है तो जाहिर सी बात है उसका शरीर कमजोर होगा, खून की कमी होगी, आने वाला जो बच्चा है वो भी कमजोर होगा। अगर किसी बच्चे के अंदर कुपोषण है तो उसका शारीरिक विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो ये जो कुपोषण का जो स्तर है अलग अलग उम्र के हिसाब से जो ये तैयार किया जाएगा, फोर्टिफाइड आटा जो फूड तैयार किया जाएगा, इसमें क्या किन बातों को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और ये आम लोगों को किस तरीके से उपलब्ध हो पाएगा? जहां तक आपकी बबू को देखा, हर उम्र के लिए, हर स्तर के लिए हमें अलग अलग पोषण की जरूरत होती है। हम लोग जो आटा फॉर्टिफाई करने की बात कर रहे हैं उसमें हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और बी12, ये आम आदमी के पूर्ण शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो या स्कूल को जाने वाला एक विद्यार्थी हो। आमतौर पर देखते हैं हम लोग एक उम्र के बाद कहते हैं थक गए काम करने वाले, ये थकान आपके ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए हो सकता है, घरेलू महिला के लिए हो सकता है, बच्चे खेल के आते हैं उनके लिए हो सकता है, बुजुर्गों के लिए तो हो ही सकता है जी। ये इससे पता होता है खून की कमी है। आप सुनेंगे बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ा हुआ से याद नहीं होता, समझ नहीं आ रहा, हम कहते हैं इसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। ये दिल लगने की बात है, उसमें आयरन और फॉलिक एसिड की कमी है जिसकी वजह से उसका मानसिक विकास हो नहीं पाया और जो वो सुनता है समझता है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि फोर्टिफाइड आटे से उनकी कुछ जरूरत पूरी कर सकें। जिस लेवल पर हम ये फोर्टिफिकेशन आटे में मिला रहे हैं, मैं आटे की खास बात इसलिए कर रही हूँ कि आटा हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का एक आवश्यक हिस्सा है। आम आदमी दिन में 3 बातें भोजन करता ही है जिसमें ऑलमोस्ट 80% हम सीरियल के रूप में लेते हैं, बाकी फल, सब्जी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इस 80% की आप जब भोजन ग्रहण करेंगे, जिस लेवल पर मैं फोर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपके औसतन दैनिक आवश्यकता का 30% की पूर्ति कर सकेंगे। मतलब आपको दिन में जितने फोर्टिफिकेशन की या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, पोषण की जरूरत है, उसका 30% आप इस आटे से पा सकेंगे। बिल्कुल वीणा जी, क्योंकि खान पान की अगर हम बात करते हैं, एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है जो दाल चावल सब्जी रोटी ही खाता है, क्या ऐसी स्थिति में ये जो आटा तैयार होगा, क्या वो आटा इतना सब्स्टिट्यूट होगा कि सेटिस्फाइड होगा कि वो केवल उस आटे का और चपाती या रोटी जो लेंगे उससे हमारे शरीर की जो न्यूट्रिशन की जो कमी है क्या वो पूरी कर ली जाएगी? मैंने अभी आपको बताया इससे 30% पूरी कर सकते हैं। आप एवरेज 2 या 3 रोटी रोज खाते हैं तो जिस लेवल पे हम इसको आटे में मिलाते हैं उससे 30% आवश्यकता आपकी पूरी हो सकती है। चलिए, इस आटे के बारे में जब हम जिक्र कर रहे हैं, कुपोषण के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कुपोषण एक ऐसी समस्या है देश के जिससे आज भी उभरा नहीं गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कुपोषण की वजह से शिशु मृत्यु दर हो रही है या इस तरीके की जो तमाम बीमारियां हैं वो उस पर कंट्रोल नहीं हो सका है। कुछ और भी गंभीर चर्चा हम जरूर करेंगे, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरन, अभनपुर, धरसीवा एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं। इसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें।
जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। विटामिन ई वाला नया बेवेर, इतना निखार के लिए बार बार किस मिले। विटामिन ई रोज अंदर से पोषण दे, रोज निखार जगाए, बेवेर सो त्वचा को दे पोषण। इस समर पार्टी सीजन पे डबल ऑफर। श्री रानी सती दादी जी का 36वां महाभिषेक 125,000 मदार फूलों से 14 एवं 15 मार्च 2015 को श्री रामनाथ भीमसेन सभा भवन रायपुर में किया गया है। आयोजक श्री रानी सती भक्त मंडल रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरन, अभनपुर, धरसीवा एवं तिलदा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं। इसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। एक सर्किट हाउस। छींकते और खांसते वक्त अपने मुंह और नाक को रुमाल या कपड़े से ढककर आप काफी जाने बचा सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। और अगर आपको बुखार के साथ छींक, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं और खतरनाक H1N1 फ्लू को फैलने से रोकें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। कुपोषण की समस्या से बाहर आने का एक माध्यम हो सकता है फोर्टिफाइड आटा, और इसी से जुड़ी प्रोजेक्ट के ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा शर्मा जी हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। वीरा जी, चूंकि अभी आप हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे लगातार कि इस तरीके से जब आटे में पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं, क्या ये बड़े मिल में मिलाने से क्या इसका कुछ खास फायदा होता है, या अगर हम चाहें तो इसे अपनी निगरानी में या छोटी मात्रा में भी मिला सकते हैं? बड़े मिल में मिलाने का मतलब है कि उनके पास टेक्निकल इतनी अवेलेबिलिटी होती है, उस प्रोसेस को ठीक से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है। मतलब आप समझिए 1000 किलो में 150 ग्राम, इतनी छोटी मात्रा पे अगर हम प्रोपोर्शनेटली घर में मिलाने की कोशिश करें तो शायद हम उतने अच्छी तरह से उसको मिला ना पाए, और शायद हो सकता है आने वाले समय में हम कोशिश करें कि डोमेस्टिक लेवल पे भी इसको हम लोगों को जागरूक कर सकें। फिलहाल हम बड़ी मरीजों के साथ मिलकर इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास सभी तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध होती है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, अपने आप टेस्ट कर सकते हैं कि ओवर अंडर तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे या छोटे चक्की प्लांट्स के साथ ट्रायल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी क्वालिटी के बारे में बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। इसलिए ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी कहूंगी कि थोड़ा समय नहीं लगते इसको ट्राई करना चाहिए, और जब तक इसके अच्छे से रिजल्ट हमारे सामने ना आए इसे हम ना अपनाए अभी। बिल्कुल विडा जी, इसका जो वितरण होगा वो लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा, क्योंकि एक खास वर्ग ही इसे हासिल कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि दूर दराज ग्रामीण इलाके या ऐसे स्तर पर जहां पर लोग जागरूक भी नहीं है कुपोषण और पोषण के फर्क को करने में, वहां तक इसकी जो उपलब्धता होगी वो किस तरीके से करा पाएंगे? ये आपने जो बात की, हमारा बहुत मुख्य उद्देश्य था कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पहले सरकारों को अपने साथ मिलाएं। इसी के लिए कहीं पर भी जब हम लार्ज स्केल किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उद्योग या इंडस्ट्री उसमें एक हद तक भागीदारी तो दे सकता है, लेकिन उसको दूर दराज तक पहुंचने के लिए उसको संभव करना, उसकी श्योरिटी तो बिना सरकार के मदद के मुश्किल होता है। अभी हम लोग वॉलंट्री लेवल पर कर रहे हैं, जहां हमारे कुछ मेंबर मिलर्स मध्य प्रदेश में लगभग 25 से 27 मिलर्स हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, और वो अपने ब्रांच फोर्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल निर्वाचन की मार्केट अभी आज की तारीख में मेट्रो सिटीज तक शायद पॉसिबल है, या पैक डाटे का कंसेप्ट ही हमारे पास ये है कि ये मध्यम वर्ग के बाहर के पहुंच की बात है, और बिल्कुल निम्न वर्ग को तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि वो पैक डाटे की तरफ जाएगा। इसलिए हमारी एक पहले तो एक कोशिश है कि हम आज मार्जी को समझा सके कि 45 डाटे की कीमत में कोई खास फर्क नहीं है, अगर आप पैक डाटा भी लेते हैं तो उसकी कीमत 45% की वजह से नहीं बढ़ी हुई है। आम आदमी जो आटा खरीदता है कहीं से भी कोई भी पैक डाटा, उसमें एक निशान है 45 डाटे का, वो देखकर उसके पीछे लेबल पर लिखा हुआ है कि ये एडेड न्यूट्रिएंट्स है, ये देखकर वो खरीदे तो 45 डाटा मिलेगा।
लेकिन जहाँ तक आपने इसकी रेफरल की बात की है तो दूर दराज इलाके तक आम कंज्यूमर तक पहुँचे, इसके लिए हम बहुत कोशिश में और सरकार से भी हम इसके साथ लगातार बने हुए हैं कि इसको आपके राशन प्रणाली द्वारा या और भी जो आपके स्कीम्स चल रही है उसमें जहाँ आप गेहूँ या अनाज दे रहे हैं, पीडीएस है, मिड डे मील है, ICDS है, वहाँ पे अगर आप 45 डाटा दिलवा सकेंगे तो ना सिर्फ आप उन लोगों को खाने की बात कर रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी एक्ट का आपका मेन मुद्दा मुख्य उद्देश्य है, बल्कि आप न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी बात कर सकेंगे। इतने कम खर्चे में आप उनकी सेहत की सुनिश्चित कर सकें जिससे देश का ना सिर्फ सेहत का जल सुधरेगा बल्कि हमारे सेहत और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्चे में भी भारी। बिल्कुल बीना जी, अगर हम बात करते हैं कुपोषण की, कुपोषण की गंभीर जो समस्या होती है, खास तबका होता है जिसे शायद पेट भरना ही उसके लिए मुश्किल होता है, वहां पर पोषण और कुपोषण का फर्क वो नहीं कर पाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आयोडीन को नमक में मिलाकर आयोडीन की जो कमी से होने वाली बीमारी था उस पर सरकार ने काफी हद तक कंट्रोल किया है, आपको लगता है कि जागरूकता और प्रचार अगर किया जाए इस आटे का तो कुपोषण से बाहर निकलने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी? काफी हद तक मैं बहुत हद तक इसके लिए आश्वस्त हूँ। अगर सरकार इसको आप देखिए फूड सिक्योरिटी में 67% लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, उनको अगर हम 45 डाटा देते हैं और ये वो तबका जिनको आपने कहा कि शायद उनकी इतनी ऐसे भी पावर नहीं है कि वो जानते बूझते भी और न्यूट्रिएंट्स या आवश्यक संतुलित आहार ले सके, वो शायद वो तबका है जो सिर्फ रोटी नमक या चाय के साथ ही ले सकता है, उस ऐसे में अगर आटा 45 है और उसके बेसिक न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुंच रहे हैं तो उसकी सेहत का कम से कम एक बुनियादी जितनी आवश्यकता है वो हम जरूर उससे मीट आउट कर सकेंगे। इसके लिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ। और नमक जैसे आपने बात करी, नमक तो आप देखिए पूरी जिंदगी में हमें 1 चम्मच आयोडीन की जरूरत होती है और हम आज आयोडाइज नमक खा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे को बाकी भी हमारे आयरन है पॉलिक एसिड हमें रोज जरूरत पड़ती है, रोजमर्रा के काम कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है। आटा जो हम दिन में 3 बारी खाते हैं इससे बेहतर सोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता बिल्कुल, और इससे सस्ता ये सरकार को भी हम इसके लिए करें और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि समझाया जा सके इससे कम कीमत का कोई और सुधार का जरिया हो ही नहीं सकता। 45 आटे का वितरण एक सुनिश्चित और सफल विकल्प सरकार के पास होना चाहिए। बिल्कुल बीना जी, एक बड़ी जो समस्या है समाज की या आम लोगों की, उससे बाहर आने में प्रचार और जागरूकता एक अपना अहम रोल अदा करता है। प्रचार की बेहद जरूरत है क्योंकि कुपोषण से अगर बाहर आना है तो पोषण की महत्ता को समझना और समझा पाना बेहद जरूरी होता है। कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे, फिलहाल हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव पहल लोक सेवा केंद्र, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुभारंभ। पहले चरण में रायपुर कलेक्ट्रेट, आरन, अभनपुर, धरसीवा एवं तिल्दा के तहसील कार्यालयों से शुभारंभ। लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 31 महत्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं। इसे राज्य के सभी तहसील कार्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। अपन दुधारू गाय गरुवा मन ला इसने कुछ जन खवावा, हमेशा एशियन फीड के पशुदाना ही अपनावा। क्रिकेट के महासंग्राम में कौन पड़ा किस पर भारी, किसके बल्ले ने उठाया जौहर, किसकी गेंद ने बरपाया कहर, किसकी रणनीति रही सफल और कौन हुआ फ्लॉप, देखिए वर्ल्ड कप का पूरा हाल क्रिकेट का अग्निपथ रोजाना सुबह 9:30 और रात 8:30 बजे। ब्रेकिंग से एक्सक्लूसिव तक दिन भर की खबरों का लेखा जोखा, न्यूज व्यूज और एनालिसिस, देखिए हमारे साथ। बनत छत्तीसगढ़, बदलत छत्तीसगढ़, दौड़त छत्तीसगढ़, खौलत छत्तीसगढ़, नाचत छत्तीसगढ़, गावत छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़, चुन्ना छत्तीसगढ़, एक बुलेटिन जम्मू छत्तीसगढ़, हमर बानी हमर गोठ, सिर्फ IBC 24 पर।
इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं टीटी थर्मल वेयर, अच्छे लगे अच्छे दिखे, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, एमडीएच मसाले, रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, एमडीएच, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय करगी रोड बिलासपुर, और अपने दुधारू पशुओं के लिए एशियन फीड का पशु दाना ही अपना है। वो अनुभव जो देता है राजनीति के धुरंधरों को बात, वो नजरिया जिसका है देश प्रदेश के हर मुद्दे से सरोकार, कांग्रेस में गलत वो आवाज जो उठाती है समाज से जुड़ा हर एक सवाल। नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। वो फितरत जिसे है हर खबर की तह तक जाना। देखिए आपकी बात हमारे के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ IBC 24 पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं JK 7315 तरक्की का नया नंबर, समृद्धि सूट और साड़ी सदर बाजार, फोर्टिस OP जनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सबका दिल मेरी मुट्ठी में बस एक चुटकी में, MDH का पाव भाजी मसाला और मथुरा भोग, अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ GCC ग्रुप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। कुपोषण की गंभीर समस्या से फोर्टिफाइड आटे के जरिए उबरा जा सकता है, इसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। वीणा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर। वीणा जी, आपको लगता है कि पैक्ड बाजार अब आ चुका है, यानी कि ज्यादातर चीजें जो है वो पैक्ड मिलने लगी है। आटा की अगर हम बात करते हैं, पैक्ड आटा अब आम लोगों की पहुंच में आसानी से आ रहा है, आपको लगता है कि पैक्ड आटा जो है इससे अगर कुछ समझौता हो जाए या किसी तरीके से एग्रीमेंट अगर होता है तो क्या फोर्टिफाइड आटे को आसानी से लोगों तक पहुंचाकर इससे बाहर आया जा सकता है कुपोषण से? बिल्कुल आया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ पैक्ड आटे की बात नहीं है, मुख्य बात होती है कीमत की। कीमत तो जहां तक सवाल है फोर्टिफिकेशन की वजह से, मैंने आपको बताया कीमत में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। इसकी कीमत आप अंदाजा लगाइए, आज की तारीख में जो मैंने आपको बताया बेसिक एसेंशियल्स हैं आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व, अगर हम इनको इस लेवल पर मिला रहे हैं तो 8 पैसे प्रति किलो की कीमत होती है। 8 पैसे प्रति किलो का मतलब है कि आपके घर में जो 200 ग्राम एक आदमी खाना खाता है, 1 किलो से आप अपने फैमिली के 5 लोगों के मिनिमम पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जी, 8 पैसे एक ऐसी चीज, इतनी बड़ी कीमत नहीं है कि आम कंज्यूमर उसको ना दे सके। हमें सिर्फ ये समझाने में आम आदमी को जागरूक करना है कि उनको पहले तो कुपोषण के क्या क्या नुकसान है और आटे में मिले हुए पोषक तत्व उनको नुकसानों में कैसे छुटकारा दिला सकते हैं। फिर आकर 10 पैसे इतना बड़ी समस्या नहीं है कि उसको आम आदमी की पहुंच में ना पहुंचाया जा सके या उसको हम आम आदमी को ना कन्विंस कर सके कि उसके लिए सेहत के लिए जरूरी है। बिल्कुल वीणा जी, कुपोषण के चलते जो तकलीफें होती हैं अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग जो समस्याएं होती हैं, आपको लगता है कि कुपोषण की गंभीरता का भी प्रचार किया जाना चाहिए ताकि इस जागरूकता से कुपोषण की तरफ से निकलकर जो लोग फोर्टिफाइड आटे के जो महत्व को समझ सकेंगे कि अगर ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाते हैं तो इससे हम कुपोषण से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं? अगर आम आदमी को हमें सिर्फ समझा सके कि उसे किस चीज की कमी से क्या नुकसान हो सकता है, तो सच मानिए आज की तारीख में हम लोग अपनी सेहत के लिए इतने कॉन्शियस हैं, हम खुद इसके लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो 45 आता तो पहले से बहुत दूर की बात है ही नहीं। आप अभी देखिए, हमने पोलियो पर पूरी तरह से विजय पा ली है। मेरा ख्याल है देश में हमारे पोलियो के पिछले 5 सालों में जितनी कमी हुई है या कम केसेस सामने आए हैं वो एक सक्सेस रेट हमारे सामने है। हम अनीमिया से अगर आज शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, तो अनीमिया से देखते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट देश में 70% लोग अनीमिया से सफर करते हैं। और वो जरूरी है कि निचले तबके के लोग हों या अनीमिया वर्ग के लोग हों, मेरे और आप जैसे लोग भी अनीमिया से के शिकार हो सकते हैं। सिर्फ मुझे यह पता चले कि अनीमिया से मुझे यह नुकसान हो रहा है और इसका आसान तरीका यह है दूर करने का, तो कोई कारण नहीं कि मैं उसकी कोशिश ना करूं। और फोर्टिफ हो जाता ये तो बिल्कुल हमारे रोजमर्रा की चीज है, जिससे ना हमारे स्वाद में कोई फर्क पड़ेगा, ना रंग रूप में खाने में फर्क पड़ता है, ना मुझे उसके लिए अपने भोजन की आदतों को बदलना है। मैं रोजमर्रा की तरह वैसे ही आटा, पूरी, रोटी, पराठा कुछ भी खा सकते हैं उसी फोर्टिफाइड आटे से।
सिर्फ मुझे पता चलेगा 45 डाटे से मुझे क्या फायदा है और अनिमिया से मुझे क्या नुकसान है, तो मैं सचमुच में से खरीदना पसंद करूंगी। और ऐसा मुझे विश्वास है कि आम आदमी भी चाहेगा कि वो इतने सस्ते तरीके से अपने आप में एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत कर सके। बिल्कुल, इसको लेकर क्या कुछ और बड़ी योजनाएं आपने सोच रखी है विनय जी की, इसके विस्तार के लिए क्या कुछ आगे चलकर रणनीति आप लोगों ने बनाई हो कि क्या किस तरीके से ये लोगों तक पहुंच सके आसानी से? मैंने आपको अभी बताया जो हमारी एक बड़ी छोटी सी शुरुआत थी जहां हमने बड़े कुछ फ्लोर मिलर्स को साथ मिलाकर वॉलंटरी बेसिस पर इसका शुरुआत की। हम ये चाहते थे कि राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे और वो अपने जितनी भी उनके राशन प्रणाली के थ्रू देते हैं, राशन लोगों को मुहैया कराते हैं, मिड डे मील में स्टूडेंट्स को देते हैं, बढ़ते हुए बच्चों के लिए ICDS में कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए दे रहे हैं, तो वहां पर 45 डाटे का कहीं उनकी इस नीति में एक हिस्सा बन सके। ये हमारी से शुरुआत थी और हम इसे अब केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि PDS में 45 डाटे का प्रोविजन वो कर सकें, जहां पर गेहूं को आराम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं 45 डाटे के साथ। हमारी इंडस्ट्री उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। हम उनको यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम स्वस्थ पूर्ण और अच्छे तरीके से हाइजीनिक तरीके से प्रोड्यूस करके एक पोषक आटा एक रीजनेबल रेट पर आम आदमी तक पहुंचाने में उनके भागीदारी करना चाहेंगे। सिर्फ एक मौके की बात है, भरोसे की बात है, सरकार को यह लगे कि उनका जो न्यूट्रिशन मिशन है उसमें इंडस्ट्री भी उतनी ही इंटरेस्टेड है उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। चलिए विना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से बाहर आया जा सकता है 45 आटा, जिससे तमाम जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशंस है, वो हमें आसानी से मिल सकता है और इस बीमारी से हम गंभीरता से बाहर आ सकते हैं। हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर 5 बजे मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ। शुक्रिया ज्योति। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट यू बाय सिंघानिया बिटकॉइन प्राइवेट लिमिटेड, 22 वर्षों का विश्वास, फोर्टिस योगी जनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मध्य भारत का अग्रणी एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल रामकृष्ण केयर, पचपेड़िया का रायपुर, डॉक्टर फरिश्ता हार्ट सेंटर, एक्सीलेंस इन हार्ट केयर, मल्टी हॉस्पिटल रायपुर, 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाकोड़ा, TMT संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का, और जैन चुस्की गोल्ड स्पेशल चाय एक बार जरूर आजमाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। इससे पहले नाम के मुद्दे पर भूपेश बघेल के ताम्रक प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसे नाराज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इसके चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव दिल्ली से वापस भोपाल लौटा है। राज्यपाल की राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं हो पाई है। व्यापम घोटाले में राज्यपाल के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें थी। मध्यप्रदेश में 41,500 शिक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही रेट पर रॉयल्टी प्रदेश भर में समान कर दी गई है। बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी गई है। मंत्राल पवार ने आज समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली। बस्तर चिंतागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में मंत्राल कांग्रेस प्रत्याशी थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। इधर कांकेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। असम में लंबे समय से 10 फुट पर चल रहे नक्सली इस गर्मी से टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपन के जरिए बड़ा हमला कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों को लाल लड़ाकों के मनसूबों की भनक लग गई। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान भी अलर्ट हो गए।
अब सरगुजा के कृषि विभाग में हुए दवा खरीदी घोटाले के मामले में सरकार के आदेश से हड़कंप मच गया। नबले की रकम की वसूली के लिए सरकार ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निशाना बनाया। अब संघर्ष मोर्चा का गठन कर प्रमाण पत्र निरुद्ध किया जा रहा है। This is brought to you by number one institute, Bill Spoken English Apply, Sai Baba Eye Hospital, Papadira Road, Fortis Opujinder Hospital and Research Center, Raigarh, Dr. Santosh Rai, Commerce Institute, Sector 10, Bhilai, Balaji, Ilaichi, Gold Chai.